हेलो एवरीवन, हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास हुआ है आप सभी इंग्लिश टीचर्स के लिए, स्कूल्स के लिए जहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, सभी जगह इंग्लिश चलती है। हमने एक कोशिश की है, ये कोशिश है प्री प्राइमरी से लेकर के स्टैंडर्ड 8 तक, 8th स्टैंडर्ड यानी 8वीं कक्षा तक अंग्रेज़ी में जो भी स्ट्रक्चर हैं, ग्रामर हैं और जो हमारे CG की बुक्स जो चलती हैं 6वीं से 8वीं तक, उनके टेक्स्ट को कवर करके बच्चों को समझाने की, और जो 4 स्किल्स होती हैं किसी लैंग्वेज की, जिसे हम LSRW कहते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, हमारे बच्चों में इन चारों स्किल्स का डेवलपमेंट हो सके, यानी हमारे बच्चे अच्छी तरह से अंग्रेजी को सुन के समझ सकें, अच्छी तरह से अंग्रेजी को एटलीस्ट सही प्रोनंसिएशन से बोल सके, जो भी बोले वो उच्चारण सही हो। मैं ये बात नहीं कह रही हूं कि बहुत फ्लुएंटली वो इन वीडियोस को देखने के बाद बोलने लग जाएंगे, लेकिन जो भी बोलेंगे सही बोलें, इस पे काम किया है हम लोगों ने, सही अंग्रेजी पढ़ सके और सही अंग्रेजी लिख सके। ये 4 स्किल्स LSRW, लिस्टनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग पे काम करते हुए शुरुआत से प्री प्राइमरी से लेकर के कक्षा 8वीं तक हमने वीडियो लेक्चर्स की एक श्रृंखला तैयार की है। हमारा ऑब्जेक्टिव, इसको बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चे सही बोलें, सही पढ़ें, सही लिखें, जो भी वो कर रहे हैं, और सुन के समझें। इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में आप सबकी ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम का, ये जो वीडियो लेक्चर्स की ये जो श्रृंखला हमने अभी तैयार की है, इसका पूरे सही तरीके से स्कूलों में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, इसको लागू किया जाए, जिससे जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, वो चीज़ बच्चे सीख सकें, वो चीज़ बच्चे समझ सकें, तभी 100% इसकी सफलता संभव होगी, अन्यथा नहीं। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए सबसे प्रमुख कड़ी होगा उस विद्यालय का मुखिया, जो प्रिंसिपल हो सकता है या फिर हेडमास्टर हो सकता है। मेरी उनसे जो अपेक्षाएं हैं या हमारी उनसे जो अपेक्षाएं हैं, वो ये कि आप सबसे पहले खुद इस वीडियो लेक्चर की जो श्रृंखला है, इस कार्यक्रम की जो श्रृंखला है, जिस तरीके से ये लेक्चर्स बनाए गए हैं, कृपया इनसे आप परिचित हो जाएं। इस पे जो हमने काम किया है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो उसका पार्ट है वो है लेट्स लर्न। लेट्स लर्न से जस्ट पहले हम कोई वार्मर, कोई वीडियो क्लिप दिखाएंगे या हम पढ़ाते समय कोई पिक्चर दिखाएंगे, उसको दिखाते हुए, उस चित्र को दिखाते हुए उस कंसेप्ट को हमने समझाने की कोशिश की है लेट्स लर्न वाले पार्ट में। लेट्स लर्न वाले पार्ट के बाद हमारा लेट्स डू इट वाला पार्ट आता है, जिसमें हम जो हमने पढ़ाया है उससे संबंधित हम एक्सरसाइजेस देंगे, 5 एक्सरसाइजेस, उसको बच्चे उसी समय सॉल्व करेंगे, और लास्ट पार्ट आएगा लेट्स स्पीक। जिस लेट्स स्पीक वाले पार्ट में बच्चे अंग्रेजी में बोलेंगे जो कुछ उन्होंने सीखा है, उन वाक्यों को या तो करेक्ट करके या गैप फिलअप करके या रीअरेंज करके, वो जिस प्रकार की एक्सरसाइज होगी उनको उस तरह से बोलना है। अकेले बोलने वाले भी एक्सरसाइजेस हैं, ग्रुप वर्क भी है, पेयर वर्क भी है, तो जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे उस तरीके से आपको वहां पर काम करवाना, सुनिश्चित करना है। मैं ये चाहती हूं, ये फॉर्मेट है हमारा, मेरी जो अपेक्षा है वो ये कि सबसे पहले संस्था प्रमुख इससे परिचित हो जाए। मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, आप खुद वीडियोस को देखिए और प्लीज आप इससे फेमिलियर हो जाइए।
उसके बाद आपका दूसरा काम होगा अपने इंग्लिश टीचर को मोटिवेट करने का। इंग्लिश टीचर को मोटिवेट कीजिए कि वो सही तरीके से इस कार्यक्रम को, इस वीडियो लेक्चर के प्रोग्राम को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें। उसके लिए दो चार चीजें बहुत जरूरी हैं जो आपको ध्यान में रखने वाली हैं। नंबर एक, जो वीडियो लेक्चर आप उस दिन दिखाने वाले हैं, इंग्लिश टीचर उसको पहले ही देख चुके हों। हमने बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं, हमारा कोई भी वीडियो एक पीरियड से ऊपर का नहीं है, 20 मिनट, 25 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट, कुछ वीडियोस तो 10 और 15 मिनट में भी खत्म हो जाते हैं, डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर। उस छोटे से वीडियो को आप देख लीजिए, जिससे उसमें जो भी पढ़ाया गया है वो आपको क्लियर है, ये चीज हो जाए, आप परिचित हो जाइए उसमें। लेट्स डू इट में हम क्या एक्सरसाइज दे रहे हैं, हम लेट्स डू इट में क्या पढ़ा रहे हैं, ये हमारे टीचर को एकदम क्लियर होना चाहिए। हम लेट्स डू इट में क्या करवा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे, लेट्स लर्न में पढ़ाएंगे, लेट्स डू इट में हम एक्सरसाइज करवाएंगे। तो हमारे टीचर को ये चीज बिल्कुल क्लियर मालूम होनी चाहिए कि लेट्स डू इट में किस प्रकार की एक्सरसाइजेस दी गई हैं, क्योंकि वीडियो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद असेसमेंट का काम सोलेली अकेले उस टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा। जब बच्चे लेट्स डू इट वाले पार्ट को करेंगे तो आपको उसको करेक्ट करना है देन एंड देयर, उसी समय। और अगर आप उस एक्सरसाइज से खुद परिचित नहीं हैं, तो आप बच्चों की मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं कर पाएंगे और वो सबसे हॉरिबल कंडीशन होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो लेक्चर्स को आप पहले से देख लीजिए, उसकी एक्सरसाइजेस में क्या करना है हमने हर चीज को एग्जेम्प्लीफाई किया है। हम आपसे जब लेट्स डू इट कराएंगे तो एक या दो कहीं कहीं सेंटेंसेस को हमने एग्जेम्प्लीफाई करके बताया है कि आपको कैसे उसको बनाना है। तो उस चीज से आप बिल्कुल परिचित हो जाइए। उसके बाद वाला हमारा जो पार्ट है, आप अगर उसको जान लेंगे तो जब बच्चे उस एक्सरसाइज को करेंगे तो आप उसको करेक्ट कर पाएंगे, समझा पाएंगे। अगली जरूरी चीज है लेट स्पीक। तो लेट स्पीक में आपको ये बात समझ में आना बहुत जरूरी है कि बच्चे को एक्सरसाइज करते हुए या तो जंबलिंग है वर्ड्स की, या तो टेंस चेंज है, या कंस्ट्रक्शन चेंज है, जो भी है वहां, उसको करने के बाद उसको पढ़ना है, क्वेश्चन पूछना है, आंसर लेना है। वो डिपेंड करता है हम किस वीडियो के लेट स्पीक पिक की बात कर रहे हैं। तो आप पहले से देख लीजिए कि बच्चे को वहां क्या बोलना है। और मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है, जिन चीजों पे हम बात कर रहे हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो ये चारों जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये तभी पूरे हो पाएंगे जब ये चारों एक्टिविटीज में हमारा बच्चा इन्वॉल्व हो, और उसको इन्वॉल्व कराने की जिम्मेदारी आपकी है। इसके लिए आपको बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा, और यहां टीचर की ही विल पावर काम करेगी। जितना मोटिवेटेड टीचर होगा, जितना उसका संस्था प्रमुख उसको मोटिवेट कर पाएगा, उतनी होल हार्टेडली टीचर जो है वो बच्चों के हित के लिए काम करेगा। हम आपको सिर्फ सप्लीमेंट दे रहे हैं, हम आपको सिर्फ मदद कर रहे हैं, हम आपको रिसोर्सेस प्रोवाइड करा रहे हैं, हम आपको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। आप मेरी इस बात से प्लीज अच्छी तरह से इत्तेफाक रखें तो अच्छा होगा। हम आपको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, जो भी अंग्रेजी टीचर है उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। क्लासरूम टीचिंग जो होती है, जो टीचर टीच करता है, उसकी जगह कोई वीडियो लेक्चर, दुनिया का कोई भी वीडियो लेक्चर नहीं ले सकता। हम आपको एक एड, एक हेल्प दे रहे हैं, और हम चाह रहे हैं उस हेल्प के साथ आप अपने इनोवेटिव आइडियाज को जोड़िए, आप अपनी विल पावर को जोड़िए, उसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कराइए, उनकी मिस्टेक्स को करेक्ट कीजिए, तभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इन वीडियोस को बनाने का वो फुलफिल हो पाएगा। जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे हेडमास्टर्स हैं, मेरी उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, आपकी पहली जो हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता बनेगी वो ये,
कि एक बढ़िया एनवायरनमेंट आप बच्चों को दें जिसमें रिलैक्स होके बैठ के वो अपने वीडियो लेक्चर्स को देख सकें। आपको एक अच्छा रूम चुनना होगा, उस रूम में आपको टीवी की व्यवस्था किस तरह की है इसको कृपया अच्छी तरह देख लें। जो गलतियां हम प्रज्ञा के दौरान कर चुके हैं कृपया वो ना करें कि बच्चे अगर आपके टेबल पे बैठे हैं, कुर्सियों पे, बेंच पे बैठे हुए हैं, तो उनका उनकी जो आंखों की नजर जो है उसकी हाइट कितने ऊंचाई पे टीवी रहे तो उनको गर्दन काफी उठा के या झुक के देखना ना पड़े, जिससे बच्चों का पॉस्चर सही रहे और वो ज्यादा देर तक बैठ के देख पाए। मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता रही हूं कि आपको एक घंटे का टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा इन वीडियो लेक्चर्स के लिए। 20 मिनट का भी वीडियो है और आपकी कक्षा में अगर 20 बच्चे हैं तो उन बच्चों का लेट्स डू इट और उनका लेट्स स्पीक ये अच्छी तरह से हो, इसको एंश्योर करने के लिए एटलीस्ट एक घंटे का समय आपको लगेगा। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको आप अपने टाइम टेबल में स्थान दीजिए। 6, 7, 8 तीन कक्षाओं को आपको दिखाना है तो आप छठवीं को कब दिखा रहे हैं, सातवीं को कब दिखा रहे हैं और आठवीं कक्षा को कब दिखा रहे हैं। मैं आपको बार बार इस चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप एक साथ बच्चों को बैठा के बिल्कुल मत दिखाइए। अगर आपके यहां 6, 7, 8 में कम कम बच्चे हैं तो आपने सोचा हम तीनों कक्षाओं को कंबाइन करके दिखा देते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि तीनों कक्षाओं के बच्चों का स्टैंडर्ड बिल्कुल डिफरेंट है। किसी भी कंसेप्ट को आप समझाएंगे तो आठवीं वाले बच्चे का स्टैंडर्ड 6 से ऊपर है। आप किसकी नजर से देखेंगे, आप किसकी नजर से बताएंगे, आप किन बच्चों को टारगेट ग्रुप रखेंगे, इसके लिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि भले ही हमारे बच्चों की संख्या कम हो, आप तीनों कक्षाओं को 3 सेपरेट पीरियड अलॉट कीजिए टाइम टेबल। यह हुई सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपको टीवी की हाइट उन बच्चों के बैठने के हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर आपके बच्चे मैट पे बैठने वाले हैं, फ्लोर पे मैट बिछा के आप उनको बैठाने वाले हैं, तो टीवी की हाइट इतनी रखिए कि बच्चे को गर्दन ज्यादा ऊंची करके देखने की जरूरत ना पड़े। और अगर आपने अपने बच्चों के लिए फर्नीचर का इंतजाम किया हुआ है, फर्नीचर उनके क्लास में है, तो आप उस हिसाब से हाइट को एडजस्ट कीजिए और इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट कीजिए कि आपका सामने बैठा हुआ बच्चा और पीछे बैठा हुआ बच्चा अच्छी तरह से उसको देख पाए, समझ पाए, ऐसा ना हो कि पीछे बैठे हुए बच्चों को नहीं दिख रहा है। अगर आपकी बच्चों की संख्या कम है तो आप हाफ सर्कल बना के भी बच्चों को बैठा सकते हैं कि सारे बच्चे सामने हो जाएं। वो आप अपने क्लासरूम के हिसाब से और अपने टीवी की पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, परंतु मैं बार बार कहूंगी बहुत ऊंचाई या बहुत निचाई या बच्चों के जो नजर का जो हाइट है उससे ऊपर या काफी नीचे मत ले जाइए कि हमारे बच्चों को देखने के लिए एफर्ट करना पड़े, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुश्किल ये आएगी उनको नोट भी करना है। वीडियो को दिखाने की सार्थकता तभी है जब जो कुछ भी उसमें बताया गया है उसको बच्चे नोट करें, उसको बच्चे लिखें, उसको सॉल्व करें, उसको बोलें। अगर टेक्स्ट बुक की बात हो रही है तो बच्चों के पास उनकी अपनी टेक्स्ट बुक हो, इस बात को टीचर्स एंश्योर करेंगे प्लीज। एक परंपरा है, मेरे स्कूल में भी, आपके यहां भी होगी, कि बच्चे 3 किताबें एक बच्चा ले आएगा, 3 किताबें दूसरा बच्चा ले आएगा, तो दोनों के बस्ते जो होंगे वो कम बोझ वाले होंगे। मैं आपसे इस चीज के लिए बार बार रिक्वेस्ट करूंगी, हर बच्चे को बोलिए कि किताबें अपनी सेपरेट लेके आए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, जिससे जब यहां पे पढ़ाई हो तो उनको जो वर्ड्स डिफिकल्ट लग रहे हैं, उनको जो प्रॉब्लम जा रही है, उसको वो अंडरलाइन कर सके। किताब पे अगर आप पेंसिल से कोई मार्क बना रहे हैं, ये बच्चे के दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि इससे वो किताब की कहीं तरह से कोई इंसल्ट कर रहे हैं। उनकी जो भी डिफिकल्टीज हैं, उनकी जो भी या जो उन्होंने सीखा है, वो अगर बुक पे नोट करके रखते हैं तो जब भी वो दोबारा उस बुक को खोलेंगे तो बड़ी आसानी से वो समझ पाएंगे कि इसको पढ़ते समय ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको इस चीज के लिए प्रोत्साहित कीजिए।
अगली जो जरूरी चीज है वो ये, आपने टाइम टेबल में स्थान दे दिया, आपने टीवी अच्छी तरह से लगा लिया, आप उनको बोल दीजिए कि आपकी वीडियो लेक्चर्स की एक सेपरेट नोटबुक रहेगी जिसमें आपको क्लासरूम नोट्स नहीं बनाने हैं, आप सिर्फ वही नोट्स बनाएंगे जो आपको वीडियो लेक्चर्स में दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, एक्सरसाइज करवाई जा रही है या लेट स्पीक का पार्ट है, आप उसी पे ही उसमें नोट करेंगे और कोई नहीं। एक अलग कॉपी हर बच्चे के पास रहे, ये काम आप करवा लीजिए। वीडियोस स्टार्ट हुए, जब आप दिखाएं उस समय मैं बहुत आपसे बार बार इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज टीचर्स, मैंने देखा है टीचर्स वीडियो लेक्चर्स के लिए किसी को बुला के लाते हैं कि भाई चालू कर दो, वो ऑन नहीं कर पाते, टीवी ऑन नहीं कर पाते, वो रिमोट कंट्रोल पे काम नहीं कर पाते, कौन सा बटन फॉरवर्ड का है, कौन सा रिवाइंड, कैसे पॉज करना है, कैसे रिप्ले करना है, ये चीजें हमारे टीचर्स को नहीं आती, इसके लिए वो डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी बच्चे के ऊपर या किसी अन्य शिक्षक या किसी प्यून के ऊपर, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारे टीचर को ये चीज बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, क्यों उसको जरूरत पड़ती है किसी और की, वो खुद क्यों नहीं सीख सकते। मान लीजिए आपका हेल्पिंग हैंड अगर नहीं है तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, या मान लीजिए जो आपकी हर बार मदद करने वाला है, जो प्लग लगा के स्टार्ट करने वाला है, वो उस दिन नहीं आया तो उस दिन क्या आप वीडियो लेक्चर कैंसिल कर देंगे? क्या ये आपकी इमेज के लिए घातक नहीं है? आप टीचर हैं, कम से कम इतना तो आना चाहिए आपको, तो इसको सीख लेने में कोई बुराई नहीं है, मैं नहीं समझती हूं। एक दिन एफर्ट कीजिए, आप इसको सीख जाएंगे। आप खुद चालू कीजिए, आप खुद पॉज कीजिए, क्योंकि पढ़ाने वाला ही जानता है कि कौन सी चीज बच्चों को दिखाना है, क्योंकि क्लास में उसी की मौजूदगी हमेशा रहेगी, कोई दूसरा टीचर नहीं। मैं एक चीज आप लोगों से यहां पे और कहना चाहूंगी, इनकेस जो इंग्लिश का टीचर है वो उस दिन नहीं आया है, तो जब तक कि कोई दूसरा इंग्लिश का शिक्षक आपके पास मौजूद नहीं है, प्लीज किसी सब्स्टिट्यूट टीचर के भरोसे छोड़ के आप उस वीडियो लेक्चर को कंडक्ट मत कराइए, ये टोटल फेल्योर होगा, किसी काम का नहीं निकलेगा। इंग्लिश टीचर ने पहले से उस लेसन को देखा हुआ है जो आप पढ़ाने वाले हैं या जो उस दिन होने वाला है, सब्स्टिट्यूट टीचर आके क्या करेगा, उसको क्या मालूम है वहां पे, क्या मतलब है ऐसे वीडियो लेक्चर का, थोड़ा सा सोचिए। आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये टाइम शेड्यूल में 7 दिन हो गए तो 7 लेक्चर हो जाने चाहिए, तो हम इससे बड़ी गलती नहीं कर रहे हैं, अगर हमारी सोच ये बन रही है तो। हर बच्चे का समझने का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है, हर बच्चे की ग्रास्पिंग अलग अलग होती है, आप भी जानते हैं, अच्छी तरह समझते हैं। हो सकता है फर्स्ट डे बच्चों ने जो वीडियो लेक्चर देखा उनको लगे कि हमको इसी को फिर से देखना है, वो तो आप जब उनके लेट्स डू इट और लेट्स स्पीक वाले पार्ट को देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे उनको फिर से दिखाइए। मैं बार बार इस बात को कह रही हूं, हमारा वीडियो लेक्चर किसी टीचर को रिप्लेस नहीं कर रहा है, टीचर की उपयोगिता वहां पर है और उनका उतना ही एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जरूरी है जितना कि वीडियो लेक्चर का स्मूथली चलना, उनको वहां पे अपनी अपना इंपॉर्टेंस कम करके कि मैं हट के पीछे मोबाइल खेल रहा हूं या मैं बाजू के टीचर से बात कर लेता हूं या मैं पानी पी के आ जाता हूं, चाय आ गई मैं बाहर चाय पी लेता हूं, ये होता है, मैंने देखा है। ये हम क्या करते हैं आपको पता है, ये मिस्टेक्स नहीं है, ब्लंडर है, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां, क्या सोचा आपने, आपका ध्यान बटा, बच्चे तो आपसे भी कम, उनका तो अटेंशन स्पैन 3 मिनट 4 मिनट से ज्यादा का होता ही नहीं। इधर कोई कंसेप्ट आया जो उनको लग रहा है कि उनके दिमाग से ऊपर हुआ, वो बाजू वाले से बात करने लग जाएंगे या इस दीवाल को उस दीवाल को इधर उधर, या आपको सबसे पहले वॉच करेंगे, टीचर बाहर गया अब चलो थोड़ा सा मुड़ जाता हूं पीछे, क्या मतलब निकला। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज ऐसा मत होने दीजिए। छोटे छोटे वीडियोस हैं, आपको पूरा मौका, हम कहीं आपको ये नहीं कर रहे हैं कि हम आपको 4 घंटे के लिए कहीं पे बांध रहे हैं, उन वीडियोस तक बहुत सतर्क रहिए, पहले से देख के आइए, बच्चों को उनका फेस एक्सप्रेशन देखिए, समझ पा रहे हैं, कॉपी में नोट कर पा रहे हैं, लेट्स डू इट वाले पार्ट को एफर्टलेसली कर पा रहे हैं कि बाजू वाले की कॉपी में झांक रहे हैं,
जो बच्चा बाजू वाले कॉपी में झांकता हुआ नजर आए वो आपका सबसे प्यारा स्टूडेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि समझ जाइए वो उस बात को नहीं समझ रहा है। अब उसको आपको अकेले बुला के, अलग से बुला के, अलग से बैठा के, एक्स्ट्रा टाइम दे के पढ़ाना है, ये मान लीजिए आप। आपके बच्चे आइडेंटिफाई हो जाएंगे, कौन से बच्चे अच्छी तरह से कर रहे हैं, कौन से बच्चों को थोड़ी आपकी मदद की जरूरत है और कौन सा बच्चा आपका एक्स्ट्रा टाइम चाह रहा है। उसको उस लेवल तक लाना जिस लेवल पे आपके बाकी कक्षा के बच्चे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये तो आप भी जानते हैं, हम जो CCE फॉलो कर रहे हैं, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ये यही तो है कि हमको D और E ग्रेड वाले बच्चों को उन बच्चों के बराबरी पे लाना जो बच्चे बहुत अच्छी तरह पास हो रहे हैं। किसी को फेल नहीं करना, ये बात हमारे दिमाग में जल्दी घुस गई, पर हमने कभी इस बात पे गौर किया कि जो बच्चा फेल होने की स्थिति में जा रहा है उसको हम उसके लायक बनाए कि वो अगली कक्षा में जा सके। ये वीडियोस उन्हीं बच्चों की मदद और वो बच्चे जो अच्छा कर रहे हैं उनको बेहतर परफॉर्म करने के लिए है, और आपके अंदर जो एबिलिटी है उसको और ज्यादा एनहेंस करने के लिए, और ज्यादा बढ़ाने के लिए, आपको और सशक्त बनाने के लिए, आपको और इफेक्टिव टीचर बनाने के लिए। और अगर आप इसका भरपूर उपयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर तो कोई मतलब नहीं है इसका। हम अभी भी आपसे कह रहे हैं कि आपकी जगह ये वीडियो लेक्चर नहीं ले रहा है, वीडियो लेक्चर आपको सपोर्ट कर रहा है, प्लीज उसको पहले से देखिए। समझते समय आपको जहां पे लगे कि ये यहां पे एक ये शब्द बोला जाना चाहिए था, उसको आप नोट कीजिए, और नेक्स्ट डे जब आपका वीडियो चले, हम चाहेंगे जिस कमरे में आपका वीडियो रहे उस कमरे में अगर ब्लैक बोर्ड है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं है तो एटलीस्ट हम एक नोटिस बोर्ड को बोर्ड बना के एक ऐसे तख्ते को आप सामने रख सकते हैं जिस पे आप कोई वर्क करना चाहें तो आप करें। सिर्फ इस बात पे कि सिर्फ आपके सामने स्क्रीन है, प्रोजेक्टर है या TV है, आपको कोई ब्लैक बोर्ड की जरूरत नहीं, आप सिर्फ हाथ बांध के खड़े हैं, तो ये बात जायज नहीं होगी। पॉज कीजिए, बच्चों से पूछिए, पॉज यू भी पॉज कीजिए। एक समय आता है जब टीचर पढ़ाते पढ़ाते ब्लैक बोर्ड को वाइप करता है, ठीक है, साफ करते हैं, उस समय आप पॉज कर दीजिए और एक बार जरा बच्चों से सहमति तो लीजिए, बेटा समझ में आ रहा है, आगे चलें कि कुछ समझाऊं। आपको लगता है कि बच्चे कहीं जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप रुकिए वहां पे, आप उसको समझाइए, और फिर आप उस वीडियो को चाहें तो एक बार रिवर्स रिवाइंड करके आप फिर से दिखाएं, या आप आगे चले जाइए, अगर बच्चे क्लियर हो गए तो आप आगे दिखाइए। ये काम है आपका, आप वहां पे सबसे अच्छी पोजीशन, सबसे बड़ी पोजीशन में हैं, आप उस सिचुएशन के कंट्रोलर हैं। परिस्थितियों के भरोसे बच्चों को मत छोड़िए कि बच्चे देख लेंगे, लेट्स डू इट कर लेंगे, मैं कल जांच लूंगा, लेट्स स्पीक में बोल लेंगे। जब आप इस मोड में आएंगे तो मेरी आपसे विनती है, अगर आप इसी मोड में हैं तो प्लीज उस TV को और उस हार्ड डिस्क को डोनेट कर दीजिए उन स्कूल्स को जो वाकई उसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत मेहनत से, बहुत उम्मीदों से, बहुत आशाओं से और बहुत अपेक्षाओं से और बहुत निराशाओं से तंग आके ये काम किया गया है। जो होपलेस कंडीशन पूरे जिले में देखी गई है इंग्लिश को लेके, तो उसके बाद ये सोचा गया कि कुछ ऐसा किया जाए कि हमारे टीचर और हमारे बच्चों को एक टूल मिले, उनके हाथ में एक चीज हो जिसका वो भरपूर उपयोग करके अपनी एबिलिटीज, अपनी क्षमताओं को डेवलप कर सकें। ये बात आपके लिए भी है, ये बात विद्यार्थियों के लिए भी है, और ये बात हमारे प्रिंसिपल्स के लिए भी है। जब बच्चे अच्छा करेंगे निश्चित रूप से आपका भी नाम होगा और आपके टीचर का नाम तो होगा ही होगा। वहां पे अगर हम कहीं पर भी अपनी थोड़ी सी मेहनत बचाने का काम करेंगे कि ठीक है जो चल रहा है चल रहा है, जब आप अपने कर्तव्यों से भागेंगे तो टीचर तो दो कदम पीछे भागेगा, और फिर बच्चों को तो मालूम है कि उनको पास होना है, उनको फिर क्या जरूरत है पढ़ने की। और हमारे पास जो बच्चे आएंगे वो टोटली होपलेस रहेंगे, फिर हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम इनको कहां से सिखाना शुरू करें, ABCD से, 2 letter words से, 3 letter words से, या सेंटेंस से, जो कंडीशन आज है। फिर से आपसे निवेदन, जिन चीजों को मैंने बताया, एक अच्छी क्लास, सही ऊंचाई पे TV, बच्चों के बैठने की सही व्यवस्था, उनके लिए एक अलग नोटबुक और एक अलर्ट टीचर जिसकी नजर न सिर्फ उस कंटेंट पे जो दिखाया जा रहा है बल्कि अपने विद्यार्थियों पे, क्योंकि वो अपने हर एक विद्यार्थी को पहचानता है।
आप अपने छात्रों के बीच में हैं, बहुत बड़ी खुशकिस्मती है आपकी, और उन छात्रों की हर समस्या का समाधान आपकी जिम्मेदारी है। वहां उसका भगवान अगर कोई है तो वो है उसका शिक्षक। ये वीडियो लेक्चर सिर्फ हेल्प के लिए है। तो प्लीज जो भी पोर्शंस आपको बताया गया लेट्स लर्न से लेके लेट्स डू इट के पहले एक बार पॉज कर लीजिए। आपको काफ़ी लंबा ब्रेक मिलेगा। हमारे पास में इतना वक्त नहीं रहेगा कि हम हर बार काफ़ी देर तक वीडियो को पॉज करके फिर हम लेट्स डू इट नहीं, ये तो आपके हाथ में है। लेट्स लर्न खत्म हुआ, आप पॉज करिए। लेट्स लर्न में आप दो बार पॉज कीजिए। जहाँ पे बोर्ड टीचर ने वाइप करना शुरू किया आप रोक दीजिए, पूछिए कहीं दिक्कत है, चलें आगे, आप आगे चलिए। कहीं आपको लग रहा है कि आप इसमें कुछ और बता सकते हैं, बताइए, बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप। तो प्लस पॉइंट वाली स्थिति में है कि ये भी बता रहे हैं, आपकी अपनी नॉलेज भी जा रही है, आप बच्चों से वन टू वन टॉक कर सक रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। उसके बाद लेट्स डू इट के पहले एक बार जो कुछ भी बच्चे ने लेट्स लर्न में सीखा है आप उससे पूछ लीजिए कि तुम लोग एक्सरसाइज करने के पोजिशन में हो। अगर बच्चे हाँ बोलते हैं आप लेट्स डू इट दिखाइए। आपने वीडियो को पहले से देखा है तो आप जानते हैं लेट्स डू इट कैसे करना है, उसको एग्जाम्पलीफाई वहां पर किया गया है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है हमने फर्स्ट एग्जाम्पल को बताया, चौथा या पांचवा आते तक वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, बच्चा नहीं कर पा रहा है, पर आपको तो आना चाहिए ना, तब तो आप बता पाएंगे बच्चे को। उसका करेक्शन सेम डे सेम टाइम सेम पीरियड में होना जरूरी है, इस बात को भी अच्छी तरह समझिए। अगर आप उस समय उसकी गलती उसको नहीं बताएंगे, नेक्स्ट डे आप सेकेंड वीडियो लेक्चर दिखाने वाले हैं। ये चीजें जो होंगी वो अगर कहीं उस बच्चे ने कोई मिस्टेक वहां पे कमिट की है वो मिस्टेक फिर गई, वो तो रह गया उसके दिमाग में, वही चीज रह गई। उसी दिन उसकी मिस्टेक को सुधारिए और उसको बताइए कि ये इस तरह से होगा, और फिर आप उसको नेक्स्ट वीडियो पे लेके जाएंगे। लेट्स स्पीक लेट्स डू इट से मिलता जुलता होता है। उसमें भी हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, हम बताते हैं कि कैसे बोलना है। आप देखिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो इससे फुलफिल हो रहा है या नहीं। हमने आपको एक टूल दे दिया, उस टूल का इस्तेमाल आपके हाथ में है। हमने एक तरीका बता दिया इस तरह से आपको लेट स्पीक कराना है, लेकिन बच्चों के कॉन्स्टेंट टच में कौन है? टीचर है। वो देख रहा है कि वो बच्चा बोल पा रहा है कि नहीं, वो सेंटेंस को करेक्ट कर पा रहा है कि नहीं, अगर हमने वर्ड्स को जंबल किया है तो वो उसको सही कर पा रहा है कि नहीं, ये तो आपके हाथ में है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा नहीं कर पा रहा है, आपने तो वीडियो को देखा हुआ है, आप उसको एक बार फिर से ब्लैक बोर्ड तक ले आइए, ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन कीजिए, फिर लेट्स स्पीक वाले पार्ट को कराइए। लेकिन ये सारा काम उसी दिन होना जरूरी है। चाहे अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके पास समय की कमी है, आपको कुछ और काम है, आप नहीं करा सकते हैं, एक बार आप उस दिन वीडियो लेक्चर को भले ही कैंसिल कर दीजिए, लेकिन आज लेक्चर दिखाऊंगा, कल डू इट कराऊंगा, परसों स्पीक कराऊंगा, तो ये तो फिर मत कराइए, फिर कोई मतलब नहीं, आप नहीं करा पा रहे हैं। मेरे जो प्रिंसिपल्स यहां पे मौजूद हैं, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस यहां पे मौजूद हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि प्लीज इस पे जो मेहनत हुई है उसको सार्थक, वो तभी सार्थक होगी जब आप इसके महत्व को समझेंगे। तो आप देखिए कहीं आपका शिक्षक इस तरह की हरकत तो नहीं कर रहा है, या वो वीडियो लेक्चर के ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी डाल के क्लास से बाहर तो नहीं हो गया है। हम इसकी सार्थकता को एक तरह से और सिद्ध कर सकते हैं। वो किस तरह से? जो भी कुछ वीडियो लेक्चर्स में बच्चे हमारे देख रहे हैं, ठीक है, आपने क्लासेस को अलग अलग टाइम दिया है, सिक्स्थ को, सेवन्थ को, एट्थ को, आपके यूनिट टेस्ट होते हैं। जो इसमें हम बता रहे हैं वीडियो लेक्चर्स में, उसको थोड़ा सा आप यूनिट टेस्ट में शामिल कीजिए, उस पर आप टेस्ट लीजिए, आप देखिए आपका बच्चा क्या कर पा रहा है। जो कुछ भी है वो उसके कोर्स का है। ये कहना कि वो उसके कोर्स का नहीं है, इस बात को हम बिल्कुल नहीं लेंगे, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि जो कुछ भी है वो उसके कोर्स का है और वो उसको जानना जरूरी है। आप उस पर क्वेश्चंस दीजिए, आप उस पर फिलअप्स दीजिए, मैच द फॉलोइंग दीजिए, छोटे छोटे शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन दीजिए, डू एस डायरेक्टेड दीजिए, पर उससे कुछ तो दीजिए कि बच्चे को लगे इसको देखना जरूरी है, इससे मुझे मार्क्स मिलेंगे, इसको मैं सीखूंगा, इसको मैं बोलूंगा। कुछ हम कॉमन वर्ड्स की बात करते हैं, जो चीजें वहां पर सिखाई गई हैं, जो हम लेट्स स्पीक में डाल रहे हैं, एक्शन वर्ड्स हो गए, कोई भी चीज हो गई, कम से कम इंग्लिश टीचर उसको फॉलो करे अपने क्लास में। इसमें हमने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं जिनको आपको इंग्लिश में बोलना है क्लास में रोज, छोटे छोटे वाक्य हैं, आप उसमें हजारों सैकड़ों लाखों वाक्य और जोड़ सकते हैं, उनको आप बोलिए इंग्लिश में। आपको अपने बच्चे को मोटिवेट करना है, रास्ता दिखाना है,
कैसे दिखाएंगे ये आप भी जानते हैं, आप शिक्षक हैं। मैं आपको सिर्फ रिमाइंड कर रही हूं कि प्लीज इन चीजों को अगर आप करेंगे तो आपका बच्चा बेहतर परफॉर्म कर पाएगा, आपका बच्चा अच्छा कर पाएगा। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि किसी एक कक्षा के बच्चों की एबिलिटीज बिल्कुल बराबर हो। उन बच्चों को आपको आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा जो बच्चे वीडियो लेक्चर्स के समय इनएक्टिव रहते हैं या झिझकते हैं या संकोच होता है या वो आपको दिखा नहीं पाते या उनकी राइटिंग ठीक नहीं है या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या कुछ भी, जो भी उनके साथ प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को आपको आइडेंटिफाई करके इसको रिमूव करना, इसको हटाना, इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, इसमें मैं नहीं समझती हूं कि आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। ये काम तो आप जब खुद भी पढ़ाते हैं तो भी करते हैं, तो फिर तो अभी तो आपके पास में एक टूल है, आपके पास एक रिसोर्स है वीडियो लेक्चर के माध्यम से, फिर आप इसको क्यों नहीं कर सकते। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इन जब भी आप इन वीडियो लेक्चर्स को इम्प्लीमेंट करें, टाइम टेबल में लेते हुए, हर कक्षा को अलग, टीचर पहले देख के आए, टीचर प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में रहे, बच्चे की डिफिकल्टीज को आइडेंटिफाई करने के मोड में रहे, बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करने के मोड में रहे, और कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ बच्चों के लिए उनके लेवल से हाई हो रही है तो उनको समझाने के लिए रेडी रहे, उसी समय उसको वहाँ पॉज करना है, समझाना है। हमारी कोशिश रही है कि हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें किसी चीज़ को, बहुत सिंपली समझाएं, लेकिन हो सकता है कहीं कोई चीज आपके बच्चों के समझ में ना आए, तो एटलीस्ट आपको उसके लिए रेडी रहना है कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वहां तो आप ही है ना, वहां आप हैं और कोई नहीं है, तो आपको उसको समझाना है, आपको उसको बताना है। और ये अगर आप कर पाएंगे तो ये हमारे वीडियो लेक्चर की सफलता नहीं होगी, ये आपकी सफलता होगी। वीडियो लेक्चर तो हजार जगह गए, लेकिन जिसने अच्छे से इंप्लीमेंट किया ये सक्सेस उसकी है। तो आपको इसको अपना होल हार्टेडली, पहले इस मोड में आइए कि हमको इसको होल हार्टेडली इंप्लीमेंट करना है। एक और जरूरी चीज जो मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, जब भी कोई चीज हम इंप्लीमेंट करते हैं तो लोग अच्छाइयों को दूर, कमियां पहले खोजते हैं। मैं समझती हूं कि अगर हम कमियां खोजने जाएंगे ना तो भगवान में भी कमियां हैं, निकालने वाला सब जगह निकाल लेता है। आप है ना वहां, अगर कोई कमी आपको दिखती है आप उसको सही कर सकते हैं, आप उसको और अच्छा कर सकते हैं, आप बेहतर समझा सकते हैं, आप कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। ये झूठ है आपको, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये इतना तेजी से पढ़ा दिया, इस शब्द का अर्थ भी नहीं बताया, ये कैसे कर रहे हैं, इतना जल्दी जल्दी चले गए। जिस दिन आप पढ़ाएंगे और आपके क्लास में कोई दूसरा आके बैठ गया, वो 1000 कमियां आपकी भी निकाल देगा, तब क्या करेंगे आप? ठीक है, कहीं हो सकता है बहुत स्पीड से चले गए हों, कहीं हो सकता है कोई वर्ड बहुत कठिन आ गया हो, कहीं हो सकता है हम एक्सप्लेन ना कर पाए हों, तो आप वहाँ हैं ना, हमको पता है आप वहाँ हैं, और हमारी कहीं पर भी कोई चूक हुई होगी तो आप उसको ठीक कर पाएंगे, आप उसको समझा पाएंगे, बता पाएंगे, अच्छी तरह से उसको बच्चों तक पहुँचा पाएंगे। जो कम्युनिकेशन, जो कन्वे करने की बात कर रहे हैं, वो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे, ये मुझे विश्वास है आप करेंगे। ये सोच के चुपचाप नहीं बैठ जाएंगे, ये तो नहीं समझ में आया, अब मैं बता देता हूं वहां पे कि ये तो समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप क्यों हैं भैया? आपके होने की सार्थकता होनी चाहिए ना वहां पे। मैं यही बात संस्था प्रमुख लोगों से कहना चाहूंगी, ये एक्सक्यूजेस कि टीचर मेरी बात नहीं सुनता आपकी कमजोरी है, ये एक्सक्यूज कि बच्चा हमारे कंट्रोल में नहीं है आपकी कमजोरी है, ये एक्सक्यूज कि आप ठीक से इंप्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं उस वीडियो लेक्चर प्रोग्राम को, ये भी आपकी कमजोरी है। कहीं पर आपके स्कूल के हक की बात अगर आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी कमजोरी है। कोई भी इंसान अपनी कमजोरियां उछालना नहीं चाहता, इनको दूर कीजिए। आपका टीचर आपकी बात नहीं मान रहा है, क्यों नहीं मान रहा है? जैसे नॉर्म्स दिए गए हैं, जैसा बताया गया है कि आपको इस तरह से वीडियो लेक्चर पढ़ाना है, वैसा इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? आप उस जड़ तक जाइए, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? और अगर इस चीज को आप शिकायत के रूप में लेते हैं कि ये ऐसा नहीं हुआ, तो ये आपकी वीकनेस है। आपके बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? तो
मेरा ये कहना है कि अगर टीचर जो इवेल्युएशन कर रहा है उसके साथ हमारा प्रिंसिपल या हमारा हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस जो भी वहाँ मौजूद हैं वो क्लास में जाके देखें, वो मॉनिटरिंग करें, वो जरा बच्चों का असेसमेंट करें कि कुछ फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सिर्फ पिक्चर देख रहा है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप स्वयं जो एक अच्छी चीज है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले खुद होल हार्टेडली इस प्रोग्राम से जुड़िए। ये आपकी आपके अपने ग्रोथ, आपके स्कूल के सम्मान, आपके टीचर की ग्रोथ, आपके स्टूडेंट्स की ग्रोथ के लिए बनाया गया है, उनकी लिंग्विस्टिक एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। मैं जो एक साधारण सी धारणा देखती हूँ लोगों के मन में वो ये कि इससे इनको ये फायदा हुआ होगा इसलिए इन्होंने ये काम किया है। ये कोई समझने की कोशिश नहीं करता कि इससे हमको कितना फायदा हो रहा है। लोग पहले यही सोचते हैं ना, इसको बना दिए ना इससे इनको ये फायदा होगा। प्लीज इस थिंकिंग से बाहर आइए। हम और आप एक हैं और हमारा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, हमारे बच्चों की तरक्की, हमारे बच्चों को जो बोलने की, इंग्लिश बोलने, समझने, लिखने और हर प्रकार की जो समस्याएं आती हैं जिस पे हमने इन सारे वीडियोस में मेहनत की है, इन एरियाज को कवर करने की कोशिश की है, ये इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है और वो है हमारे बच्चों की तरक्की, हमारे टीचर को इतना ज़्यादा सक्षम बना देना, इतना ज़्यादा एफिशिएंट बना देना कि वो अच्छी तरह से पढ़ा पाए। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके स्कूल्स में या अगर इंग्लिश टीचर यहाँ बैठे हुए हैं तो इसमें से कितने ऐसे टीचर्स हैं जिनकी इंग्लिश, जिनका विषय इंग्लिश रहा हुआ है, या तो आपने उसे सेलेक्ट किया, आपने चुना है कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाऊँगा या पढ़ाऊँगी, लेकिन जब आपके ऊपर बात आती है कि आपके बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो आपका जवाब होता है कि मैं इंग्लिश वाला नहीं हूँ, नहीं, या मैंने पढ़ा नहीं है, या मेरा विषय नहीं है, तो फिर आपने चुना तो है ना, तो आपको जानना तो ज़रूरी है ना, आपको उस विषय से लगाव करना पड़ेगा अगर आप नहीं हैं उस विषय वाले, आपको सीखना होगा, आपको पढ़ के पढ़ाना पड़ेगा, आपको खुद समझ के बच्चों को समझाना पड़ेगा, आप बच्चों को उनके ओन उस पर तो नहीं छोड़ सकते ना कि नहीं ठीक है मैं तो इंग्लिश वाला नहीं हूँ तो ये लोग अपने मन से कैसे भी कर रहे हैं, ऐसा आप कर सकते हैं क्या? और ऐसे ही अगर आपके बच्चे के साथ कोई दूसरा टीचर करे तो आप इसको बर्दाश्त करेंगे क्या? और अगर नहीं तो फिर पूरे समर्पण से, पूरे मन से, पूरी अपनी विल पावर से लगिए इसमें और इसकी उपयोगिता को सिद्ध कीजिए। इसको पूरा जितना आप इसका फायदा उठा सकते हैं, आपका इमेजिनेशन, आपकी अपनी कल्पना, आपका विल पावर है, आप जानते हैं किस कंडीशन में, किस तरह से, कहां पे, कैसे आप इस वीडियो लेक्चर का भरपूर फायदा उठा सकते हैं, उठाइए। लेकिन सबसे पहले इसके लिए आपको इससे परिचित होना बहुत जरूरी है। बच्चे और टीचर जब एक ही समय पे एक साथ परिचित होंगे तो टीचर इस पोजीशन में रहेगा ही नहीं कि बच्चों की डिफिकल्टीज को सॉल्व कर पाए, उसको तो खुद ही नहीं मालूम क्या बताने वाले हैं, क्या दिखाने वाले हैं, तो क्या बताएंगे आप? आप पहले से देखे रहेंगे तो आप जानते रहेंगे कि इसमें ये चीज आने वाली है, तुम लोग तैयार रहो, अब ये चित्र दिखाया जाने वाला है, इस चित्र में अब ये चीज आएगी, मेरी बात आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से? असेसमेंट में लीजिए इसको, नोटबुक बनवाइए, टाइम टेबल में स्थान दीजिए, इसके ऊपर में काम कीजिए, हम आपको एक ऑर्डर देंगे, इस ऑर्डर से आपको, ऑर्डर मीन्स एक क्रम देंगे, इस क्रम से आपको वीडियोज दिखाने हैं, लेकिन आपको लगे कि सिक्स्थ वीडियो तक पहुंचते हुए फर्स्ट या सेकंड वीडियो का कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि फिर से दिखाना पड़ेगा, टेंसेस के केस में ऐसा हो सकता है, आपको किसी ने नहीं रोका, आप उस वीडियो को दोबारा दिखाइए। आप अगर रेगुलर दिखा रहे हैं, ऑनेस्टली दिखा रहे हैं, पूरे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से दिखा रहे हैं तो आपसे ये कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि 10 दिन में आपने 7 वीडियोज क्यों दिखाए, ये क्वेश्चन कोई नहीं करेगा। लेकिन 10 दिन में 20 वीडियोस दिखा के बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से आपके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। मैं समझती हूँ मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे, आप इसका अच्छा यूज़ करेंगे, भरपूर यूज़ करेंगे और जो भी कुछ मेहनत इसके ऊपर हुई है, जो टीम, जिस टीम ने अपनी जान निकाली है को आप तक पहुंचाने के लिए, उसकी इस मेहनत को सार्थक करेंगे, क्योंकि यही एकमात्र चीज है
जो इसको सार्थक कर सकती है और कोई चीज़ नहीं। हमारे बच्चों का इम्प्रूवमेंट, हमारी टीचर का इम्प्रूवमेंट, हमारे स्कूल का नाम, सम्मान, यही हम चाहते हैं और कुछ नहीं। इसमें आप थोड़ा सा एक्टिवली इन्वॉल्व होकर देखिए, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और जिस समय आप वीडियो लेक्चर दिखाएं इंग्लिश टीचर के बतौर, आप कोई सब्स्टिट्यूट टीचर मत रखिए वहाँ पे। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके स्कूल में दो इंग्लिश टीचर्स हैं तो लेट्स डू इट, या लेट्स स्पीक को सुनने के लिए आप दो टीचर्स आ सकते हैं, लेकिन आप लोग आपस में बातें नहीं करेंगे और आप लोग बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जिस समय ये सब वीडियो लेक्चर्स चलते रहें उस समय बाकी लोगों का आना जाना ये सब प्रवेश निषेध करके रखिए। आपकी जो स्मार्ट क्लास रहे वो स्मार्ट नज़र आए, और उन बच्चों में चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर ये चीज़ हमको मिलने लग गई कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, उनके लिखने की स्टाइल, उनकी राइटिंग, उनकी स्पीकिंग, उनकी उनका कंप्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें अगर उनमें सुधार आ रहा है, तो फिर हम मान के चलेंगे कि हम सक्सेसफुल हो गए। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप और बेहतर करें इस आशा के साथ, और आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम ये निर्देश समाप्त करते हैं। कृपया और कितना अच्छा आप कर रहे हैं, कर सकते हैं, या आपने और इसके लिए क्या सोचा है, इसके बारे में ज़रूर हमें अवगत कराइएगा। आपसे मिलेंगे कभी आपके स्कूल में। थैंक यू वेरी मच।